हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने YouTube चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक नई बीमारी के बारे में बताने वाला हूँ। ये एक ऐसा बीमारी है जिसको आप लोगों ने कहीं ना कहीं पर तो जरूर इस तरह के मरीज को देखे होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ फाइलेरिया बीमारी के बारे में। फाइलेरिया बीमारी को शुद्ध हिंदी भाषा में आप लोगों ने कहीं ना कहीं पर लोगों को कहते हुए सुना ही होगा कि इस मरीज को हाथी पाँव का बीमारी हो गया है। सुने होंगे, ये एक ऐसा बीमारी होता है जो कि ज्यादातर मरीजों को टेस्टीज में या फिर उनके लेग में, मतलब उनके पैरों पर ये अफेक्ट करता है। दोस्तों, ये बीमारी ज्यादातर इस तरीके के लोगों में देखा जाता है कि उनके पैरों में इस तरीके से वो बीमारी अफेक्ट करता है कि उनका जो पैर होता है वो एकदम फूल जाता है, और इसी को लोग देख करके कहते हैं कि मरीज को हाथी पाँव का बीमारी हुआ है। ये बीमारी क्या है, फाइलेरिया का बीमारी क्या है, फाइलेरिया का बीमारी कैसे होता है, ये बीमारी होने का क्या कारण होता है, अगर ये किसी को बीमारी हो जाता है तो उनमें कौन से लक्षण देखे जाते हैं और इसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयां दिया जाता है, सारी की सारी बात आप लोगों को बस एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देखिए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर की सलाह के। दोस्तों, सबसे पहली बात यहां पर आता है कि ये फाइलेरिया बीमारी जिसको हम लोग बोलते हैं हाथी पाँव, ये बीमारी क्या होता है। दोस्तों, फाइलेरिया जो होता है ये मच्छर से काटने पर, अगर मान लीजिए मच्छर काट लेते हैं तो फाइलेरिया मच्छर के काटने से होने वाला एक संक्रमण रोग होता है। यह एक बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है दोस्तों, जो कि वुकेरिया बैनक्रोप्टी नामक बैक्टीरिया के द्वारा ये बीमारी फैलता है। मेनली यह जो डिजीज होता है ये हमारे टेस्टीज में तथा जो लेग होता है मतलब पैर होता है, ये एक ऐसा बीमारी होता है दोस्तों जो कि टेस्टीज तथा लेग मतलब हमारे पैरों को अफेक्ट करने का काम करता है। यह शुरुआत में पैरों से तथा टेस्टीज में इन्फ्लामेशन होने लगता है। अगर ये बीमारी किसी को हो जाता है तो उनके पैरों में ये अफेक्ट करने लगता है, उनके टेस्टीज में अफेक्ट करने लगता है, और धीरे धीरे करके वहां पर इन्फ्लामेशन होने लगता है, वहां पर सूजन होने लगता है, और अगर आपने उसका इलाज टाइम पर नहीं करते हैं तो वो इतना ज्यादा फूल जाएगा कि वो इतना फूल जाएगा कि आप कहेंगे, लोग देखेंगे तो आपको तुरंत बता देंगे कि आपको हाथी पाँव का बीमारी हुआ है, आपको फाइलेरिया का बीमारी हुआ है। तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। तो और भी एक बात ध्यान में रखना चाहिए, और किसी भी व्यक्ति को अगर यह संक्रमण हो जाता है, यह बीमारी हो जाता है, तो होने के बाद यह बीमारी 5 से लेकर के 15 वर्ष लग जाते हैं ये पूरी तरह से हाई लेवल तक होने में। धीरे 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 करके ये बीमारी फैलता हुआ चला जाता है और लास्ट में जाकर के ये अपना पूरा आकार ले लेता है और एकदम जो पैर होता है वो पूरी तरह से फूल जाता है, टेस्टीज में होता है या फिर हमारे लेग में होता है, वो इतना ज्यादा वो फूल जाता है कि लोग उसे हाथी पाँव भी कहते हैं, और यही होता है फाइलेरिया का बीमारी, यही होता है हाथी पाँव का बीमारी। आप लोगों को इतना बात तो समझ में आ गया होगा कि यह हाथी पाँव का बीमारी होता क्या है। अब यहाँ पर मेन मुद्दा आता है दोस्तों, बहुत सारे लोग सुनते होंगे कि हाथी पाँव का बीमारी हो गया है, फाइलेरिया बीमारी हो गया है, क्या आपने कभी सोचा है कि ये बीमारी कैसे होता है, ये बीमारी होने का क्या कारण होता है। आप लोगों को ये बात भी जानना बहुत ही जरूरी होता है कि ये बीमारी होने का क्या कारण होता है, और फिर आप लोगों को दवाइयों के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ये फाइलेरिया बीमारी होने का क्या कारण होता है। दोस्तों, कारण की बात करें तो सबसे पहले आप लोगों को मैंने बता दिया है ये जो डिजीज होता है वो कैरिया बैनक्रोप्टी के कारण ये उत्पन्न होता है। इसके अलावा इंजरी हो जाना तथा इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे तटीय प्रांतों में रहना, मौसम परिवर्तन के भी इसके मुख्य कारण बन जाते हैं, या फिर क्यूलेक्स मॉस्किटो होते हैं जो कि इसके मुख्य कैरियर होते हैं, जो कि ये इधर से उधर उसको पहुंचाने का काम करते हैं, और इसके कारण भी देखा जाता है कि मरीज को ये बीमारी हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा कि बीमारी होने का क्या कारण होता है और मच्छरों के काटने के कारण ये बीमारी होता है। इतना बात आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, लेकिन मेन मुद्दा जो है वो अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि मरीज को फाइलेरिया का बीमारी हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके लिए कुछ साइन एंड सिम्टम को देखना पड़ता है, मतलब हमारे अंदर क्या लक्षण देखे जाएंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हमको फाइलेरिया का बीमारी हुआ है कि नहीं हुआ है।
दोस्तों इसको जानने के लिए लक्षण जानना बहुत ही जरूरी होता है कि फाइलेरिया होने पर उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि इस मरीज को फाइलेरिया का बीमारी हुआ है। तो चलिए तीसरे पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं कि फाइलेरिया बीमारी का लक्षण क्या होता है। अभी तक आप लोगों को मैंने बताया है फाइलेरिया बीमारी क्या होता है, फाइलेरिया बीमारी होने का क्या कारण होता है। अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं फाइलेरिया बीमारी होने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, और तुरंत इसके बाद आप लोगों को सारी की सारी दवाइयों के बारे में बताना स्टार्ट कर दूंगा। तो चलिए बात करते हैं, अगर किसी भी मरीज को फाइलेरिया का बीमारी हो जाता है तो उनमें लक्षण देखा जाता है। सबसे पहले मरीज के अंदर देखा जाएगा सेवरिंग के साथ साथ उनको बुखार भी आना देखा जाता है, और बुखार के साथ साथ देखा जाता है कि मरीज को बहुत ज्यादा पेन होता है, जिसको सेवर पेन भी बोलते हैं। स्किन में इन्फ्लामेशन हो जाना, जैसे कि हमारे पैरों में फाइलेरिया हो गया है, टेस्टिज में हो गया है फाइलेरिया, तो उस जगह पर इन्फ्लामेशन होने लगेगा, सूजन बनने लगेगा, ये सारे के सारे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो ये भी एक कारण होता है, ये भी एक प्रकार का लक्षण होता है, जिसको देख करके अनुमान लग जाता है कि हाँ इस मरीज को फाइलेरिया का बीमारी हुआ है, इसीलिए वहां पर सूजन होना स्टार्ट हो गया है। ये भी एक लक्षण होता है दोस्तों। इसके बाद बुखार के साथ साथ स्वीटनिंग भी देखा जाता है, पसीना भी बहुत ज्यादा देखा जाता है, टेस्टीज में स्वेलिंग आ जाता है, वेट बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, लेग की स्किन में इन्फ्लामेशन हो जाता है, पैरों में बहुत ज्यादा सूजन हो जाता है, तथा उनका जो कलर होता है वो डार्क हो जाता है। ये बात आप लोगों को पता रहना चाहिए कि अगर किसी भी मरीज को फाइलेरिया का बीमारी हो जाता है तो उनको बुखार होना, दर्द होना, सूजन होने लगना, सूजन होने के बाद उस एरिया में दर्द होने लगना, शरीर एकदम जब फूल जाएगा, एकदम जब उसका जो आकार होता है वो चेंज होने लगता है और एकदम फूलने लगता है, तो उस जगह का वेट जो होता है हमारे शरीर का वेट भी बढ़ने लगता है। तो ये सारे के सारे लक्षण होते हैं अगर किसी भी मरीज को फाइलेरिया का बीमारी हो जाता है। तो कुछ और भी लक्षण होते हैं, जैसे कि पेशेंट के पैर एलिफेंट की तरह काफी मोटे और भारी हो जाते हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है अगर किसी भी मरीज को फाइलेरिया का बीमारी हो जाता है और टाइम से वो इलाज नहीं कराता है तो उसका पैर इतना ज्यादा फूल जाता है कि वो एक प्रकार का हाथी पांव, हाथी के पैर की तरह एकदम फूलने लगता है वो इस तरह से, और वो पैर ऐसा हो जाता है कि देखने के भी लायक नहीं रहता है। इससे मरीज बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, लेकिन उनको टाइम से इलाज कर लेना चाहिए। अगर टाइम से नहीं इलाज करेंगे तो उनका पैर फूलता हुआ चला जाएगा और वेट भी गेन होते हुए चला जाएगा, समझ गए। और जब एकदम हाई लेवल हो जाएगा तो ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, इसीलिए इन बातों का ध्यान बहुत ज्यादा रखना चाहिए आप लोगों को। इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा डिटेल बता दूं। थोड़ी सी और बात आप लोग जान लीजिए, ब्लड का एग्जामिनेशन करने पर लिम्फोसाइट के साथ इसमें जॉन्डिस पाया जाता है। ब्लड में रात के समय फाइलेरियल बैंक्रॉप्टी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और इसीलिए रात के समय इसका सैंपल लेना चाहिए, इसीलिए ब्लड को रात में निकाल करके इनका सैंपल लेना चाहिए। दोस्तों अगर किसी भी मरीज को फाइलेरिया का बीमारी हो गया है, लक्षण को देख करके लगता है कि इस मरीज को फाइलेरिया का बीमारी हुआ है, हाथी पांव का बीमारी हो गया है, तो उनमें कुछ निर्देश देना बहुत ही जरूरी होता है कि मरीज को क्या चीज करना चाहिए। पहली बात, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों को मरीज को ये निर्देश बहुत ही ज्यादा देना जरूरी होता है। जैसे कि अगर किसी भी मरीज को फाइलेरिया का बीमारी हो जाता है तो पेशेंट को कंप्लीट ब्लड रेस्ट आवश्यकता होता है। अफेक्टेड पार्ट पर हार्ट अप्लीकेशन दी जानी चाहिए, नाक हो गया, कान हो गया, गला हो गया, इसकी सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पेशेंट को लक वाटर बाम पानी पीना चाहिए। मतलब आप नहीं समझ पा रहे हैं तो सिंपल बात समझ लीजिए, अगर किसी भी मरीज को फाइलेरिया का बीमारी हो गया है तो उनको गुनगुना पानी पीना चाहिए, हमेशा गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, कभी भी ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप कभी भी पानी को पीते हैं तो हमेशा पानी को गुनगुना करके पीना चाहिए। ये बहुत ही कॉमन बात अभी तक आप लोगों को बताए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेडिसिन के बारे में तो मैं बता ही नहीं रहा हूं, अब आप लोगों को मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूं। अभी तक मैंने आप लोगों को फाइलेरिया का बीमारी क्या होता है, फाइलेरिया बीमारी होने का क्या कारण होता है, फाइलेरिया बीमारी होने पर कौन से लक्षण देखे जाते हैं, और अगर किसी को फाइलेरिया बीमारी हो जाता है तो उनको कौन से निर्देश देने चाहिए, इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों का अगर क्लियर हो गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं क्लियर हुआ है तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर लीजिए और एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, पूरा डिटेल आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहला जो मेडिसिन है वो है हेट्राजन। हेट्राजन मेडिसिन 100 mg का ये मेडिसिन, अगर दोस्तों हम बात करें, ये एक ऐसा मेडिसिन होता है जो कि काफी ज्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है फाइलेरिया डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए। अगर हम इस दवाई के कंपोजिशन की बात करें कि हेट्राजन मेडिसिन का क्या कंपोजिशन है, तो इसका दोस्तों कंपोजिशन होता है डाइएथिल कार्बामाजीन साइट्रेट, जो कि 100 mg का ये टेबलेट होता है। दोस्तों ये दवा को खाने का एक अलग प्रकार से डोज बनाए जाते हैं। जैसे कि इस दवा को खाते हैं, कैसे खाया जाता है, एक टेबलेट सुबह, एक टेबलेट दोपहर को, एक टेबलेट शाम को, 20 दिन तक लगातार इस दवा को 3 टाइम एक एक टेबलेट खाया जाता है। फिर 20 दिन के बाद उसी दवा को, हेट्राजन टेबलेट को, एक टेबलेट सुबह, एक टेबलेट शाम को खाएंगे, अब दो बार खाएंगे,
फिर 20 दिन के बाद, समझिए ऐसे ही खाया जाता है इस टेबलेट को। 20 दिन तक लगातार स्टार्टिंग पहले में फेज में 20 दिन तक 3 टाइम खाया जाता है, फिर 20 दिन के बाद 2 टाइम खाया जाता है, एक बार सुबह और एक बार शाम को। ये डोज लगातार 20 दिन तक चला जाता है। उसके बाद 20 दिन पूरा होने के बाद फिर 20 दिन के बाद एक एक टेबलेट दिन भर में एक बार ही खाना है, वो भी लगातार एक एक टेबलेट ही खाया जाता है, समझ गए। तो स्टार्टिंग फेज में 20 दिन तक 3 3 टेबलेट सुबह दोपहर शाम खाना है, फिर 20 दिन के बाद सुबह शाम 20 दिन तक खाना है, फिर एक एक टेबलेट दिन भर में एक बार खाया जाता है, वो भी लगातार 20 दिन तक खाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है, जो कि इसको जड़ से ठीक करने के लिए हेल्पफुल मेडिसिन ये पाया जाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। दोस्तों जो अगला मेडिसिन है वो है टेट्रासाइक्लिन, जो कि 500 mg का ये टेबलेट है टेट्रासाइक्लिन। दोस्तों ये एक ऐसा मेडिसिन होता है जो कि ये 500 mg का टेबलेट होता है, जो कि एक प्रकार का इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन होता है, जो कि टेट्रासाइक्लिन मेडिसिन एबोट कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है फाइलेरिया डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए। ये भी इस तरह के पेशेंट को दिया जाता है जिनको फाइलेरिया का बीमारी हो जाता है, समझ गए आप लोग। इनके डोज के बारे में बात करें तो एक एक टेबलेट दिन भर में एक बार खाया जाता है, वो भी लगातार इसको 20 दिन तक खाया जाता है। तो ये दोस्तों हो गया टेट्रासाइक्लिन मेडिसिन के बारे में, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है फाइलेरिया डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। दोस्तों जो अगला मेडिसिन है वो है सुप्राडीन मेडिसिन। सुप्राडीन मेडिसिन एक ऐसा मेडिसिन होता है जो कि लगातार रोजाना एक एक टेबलेट इसको खाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है अगर किसी भी पेशेंट को फाइलेरिया का बीमारी हो गया है तो उस केसेस में इसको खाया जाता है, सुप्राडीन टेबलेट को, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन ये माना जाता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए मरीज को क्या हो गया है, फाइलेरिया का बीमारी हुआ है, उनके शरीर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, उनका टेम्परेचर हाई हो गया है, उनको फीवर हो गया है, तो उसको ठीक करने के लिए दिया जाता है डायनापार टेबलेट। डायनापार टेबलेट एक ऐसा टेबलेट होता है जिसके कंपोजिशन को आप पढ़ेंगे तो इसके कंपोजिशन में पाया जाता है डाइक्लोफिनेक एंड सोडियम, ठीक, डाइक्लोफिनेक पाया जाता है एंड पैरासीटामॉल पाया जाता है। डायनापार टेबलेट एक ऐसा टेबलेट होता है जिसमें डाइक्लोफिनेक भी पाया जाता है एंड पैरासीटामॉल भी पाया जाता है। और आप सभी लोगों को मैंने कई बार बताया है जिस मेडिसिन के अंत में फिनेक आता है वो दवाइयां एक प्रकार के पेनकिलर मेडिसिन होते हैं। तो डायनापार में दो चीज मिले हुए हैं, डाइक्लोफिनेक भी है और पैरासिटामॉल भी। तो डाइक्लोफिनेक का काम होता है कि हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है, और सॉरी डाइक्लोफिनेक जो होता है इसका काम होता है कि हमारे शरीर के दर्द को ठीक करने का काम करता है। डाइक्लोफिनेक पेनकिलर का काम करता है और पैरासिटामॉल हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। तो अगर मरीज को फाइलेरिया के साथ साथ शरीर में दर्द हो रहा है, बुखार हुआ है, तो उसको ठीक करने के लिए दिया जाता है डायनापार टेबलेट, समझ गए। इसी तरह से कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन को भी प्रोवाइड किया जाता है, जो कि ये सेफ्ट्रान डीएस के भी नाम से ज्यादातर फेमस होता है। अगर हम इसके कंपोजिशन को पढ़ें तो इसका कंपोजिशन होता है कोट्रिमाक्सोल टेबलेट, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये मेडिसिन होता है सेफ्ट्रान डीएस। दोस्तों ये एक ऐसा मेडिसिन होता है जो कि एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है, और एंटीबायोटिक मेडिसिन का काम क्या होता है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का काम करते हैं, समझ गया। इसको कैसे खाया जाता है, एक टेबलेट सुबह एक टेबलेट शाम को, वो भी खाना खाने के बाद इसको लिया जाता है। तो ये भी बातें हो गए एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में। इसी तरह से कुछ और भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी आते हैं, जैसे कि फिलोसिड एसिड हो गया। ये ऐसा मेडिसिन होता है दोस्तों जो कि फिलोसिड ग्लूकोनेट, जो कि 2 ml का ये मेडिसिन होता है, इसको IM रूट से लगाया जाता है। IM का मतलब होता है इंट्रामास्कुलर लगाया जाता है। इसको IM रूट से लगाया जाता है और हर तीसरे दिन के बाद इसको एक बार लगा दिया जाता है, जैसे आज लगा, फिर 3 दिन का गैप, फिर उसके बाद लगा दिया जाता है, और केवल IM रूट से लगाया जाता है। देखिए कोई भी इंजेक्शन आप लगाने जाते हैं तो इंजेक्शन के ऊपर उसका रूट लिखा रहता है कि IM लगाना है कि IV लगाना है। IV का मतलब होता है इंट्रावेनस, IM का मतलब होता है इंट्रामास्कुलर। इंट्रावेनस का मतलब होता है उस इंजेक्शन को नस में लगाना है, इंट्रामास्कुलर का मतलब होता है उस इंजेक्शन को मांस में लगाना है। तो इस इंजेक्शन को मांस में लगाया जाता है इंट्रामास्कुलर, समझ गए। और हर तीसरे दिन के बाद इसको रिपीट किया जाता है, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये होता है। ये जो होता है फिलोसिड ग्लूकोनेट 2 ml का इंजेक्शन, ये भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है, जो कि ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ये किल करने का काम करता है। और अगर किसी भी मरीज को फाइलेरिया का बीमारी हो जाता है तो उनमें इसी तरह के मेडिसिन को चलाया जाता है जिससे मरीज का बीमारी ठीक हो जाए। इतना बात आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। दोस्तों मैंने सोचा आज आप लोगों को कुछ नई बीमारी के बारे में थोड़ा सा डिटेल समझा देता हूं कि ये फाइलेरिया का बीमारी क्या होता है। ये फाइलेरिया बीमारी के बारे में, हाथी पांव के बारे में बहुत ही सुने होंगे आप लोग कि पैर इनका इतना मोटा फूल गया है, पैर इनका ऐसे हो गया है, वैसे हो गया। ये एक ऐसा बीमारी होता है जो कि लेग में और टेस्टिज में ज्यादातर इसको अफेक्ट करता है, और उस एरिया में इन्फ्लामेशन होने लगता है, स्वेलिंग होने लगता है। तो उसका अगर ट्रीटमेंट टाइम से ना किया जाए तो वो एकदम अपना पूरा आकार ले लेता है और एकदम फूल जाता है।
इसीलिए टाइम से इसका इलाज करना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश आप लोगों को किया हूँ। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नहीं दबाएं तो दबा लीजिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सीधा सीधा होम पेज पर मिल जाए। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।